तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो यार स्वागत है आप लोगों का पबजी मोबाइल के एक और नए गेम प्ले वीडियो में। और इस मैच में यार हम एनिवर्सरी पे आए हैं, तो उतरते ही यार गलत काम बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो देखो यार, तो उतरते ही यार मेरे को M24 मिलती है, और वो भी यार आगे से उठा ली किसी ने, तो चोरा चोरी यार उतरते ही शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद यार मैं जंप करता हुआ इधर से उधर भागता हूँ और दूसरी गन देखता हूँ, और गोलियां यार यहाँ दबा के पड़ रही थी मेरे को। अब एक बार तो यार मेरे को ये हो गया था कि यार बचता नहीं मैं यहाँ बिल्कुल भी। तो उसके बाद यार मिनी मिली थी और एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया, और मेरे को भी यार एक बंदे ने नॉक कर दिया। फिर अब यार मैं इसके बॉक्स के पीछे काफ़ी देर तक बैठा रहूँगा, तो क्या ही कर सकते थे यार। अगर बाहर निकलता तो बिल्कुल यार धुआं निकलता पेटी में से। यहाँ तो यार मैंने उसके बाद सोचा कि बंदा तो ऊपर की साइड चला गया, तो क्यों ना मैं भी यार दूसरी साइड जाके रिवाइव ले लूं भाई से, और बोलता हूँ मैं कि यार रिवाइव कर दे, और मेरी तरह एक और भाई साहब आगे जा रहा था कोड्डा कोड्डा यार, तो नज़ारे थे यार ये चीज़ देखने के। यहाँ अब चो चो में यार मैंने उस बंदे को नोक तो कर दिया मिनी से, तो मैंने सोचा यार और तो कोई है ही नहीं यहाँ, तो मैं नीचे जंप कर गया और दूसरे बंदे ने यार साथ ही कमर में गोलियां मारी बिल्कुल। तो उसके बाद यार मैं मेडिकेट लगाता हूँ फुल वाली, और मिनी का यार पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा आज मैं, तो देखो यार। और सप्रेसर लगा के तो क्या ही खतरनाक चलती है यार मिनी, तो बिल्कुल यूज करेंगे इसका यार। इतने में यार सामने से मेरे को एक बंदा दिखा था, और एक और बंदा देखो यार कहाँ रुकेगा। तो इस भाई को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और अब जो बंदा यार मेरे को लेफ्ट साइड से दिखा था वो भी वापस आएगा, तो उसकी भी यार बिल्कुल पेटी बनाएंगे। तो यहाँ की साइड आता हूँ मैं और देखता हूँ यार वो बंदा आ ही चुका है इधर। पहले मेरे को यार लग रहा था ये बोट है, पर ये बोट बिल्कुल भी नहीं था यार, तो इसी की यहीं यार पेटी बना दी मैंने। उसके बाद यहाँ यार हम थोड़ी देर मस्ती मुस्ती करते हैं और यहाँ से निकलेंगे यार। और यार इसमें मतलब झूलने का जो है वो मजा अलग ही लेवल का है, तो मजे लेंगे पूरे हम। और इस साइड आता हूँ मैं, तो इस साइड यार बंदे भागे हुए थे, तो उसमें से एक की तो मैंने पेटी बना दी थी, तो और बंदों को देखने के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ और देखते हैं यार कोई है यहाँ या नहीं है। तो यार सामने पेटी दिखी थी मेरे को एक पड़ी हुई, तो देखते हैं क्या पता यार कुछ मिल ही जाए, क्योंकि यार लूट की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। तो थोड़ी सी एमओ यार उजी की मिल गई थी और UMP उठा ली मैंने, और जैसे ही मैं यहाँ की साइड आया मेरे को एक बंदा दिखा, तो स्प्रे दूंगा ऐसे यार मैं। और जैसे ही मैं स्प्रे दे रहा था यार, तो मेरे भी सिर में दो गोलियां लगी, तो उठ के भागना पड़ा यार, नहीं तो यहीं पेटी बना देता है भाई यहीं। तो उसके बाद यार मैं डेटा इतना हूँ कि किल कुल चोरी करने की पूरी आदत है अपनी, तो नोक कर दिया मैंने उस भाई को और बैंडेज वगैरह लगाता हूँ मैं। अब यार वो बंदा जो ऊपर से स्प्रे दे रहा था वो भी दिखता है मेरे को, तो उसको भी देंगे स्प्रे बिल्कुल। पहले यार अपना किल कंफर्म कर दूं मैं। तो उस भाई को भी यार दो गोलियां लगती हैं, पर यार नोक तो नहीं भाई साहब हो के देता बिल्कुल भी। और यार जो किल कुल है उसने वो मेरा चोरी कर लिया है, तो बिल्कुल बदला लूंगा यार इससे मैं अपना। उसके बाद यार मैं फिर से वापस आता हूँ और उसी के पास जाऊँगा मैं सीधा, तो अपना एरोप्लेन बिल्कुल तैयार है उड़ने के लिए, और उसके बाद आगे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे उतरता हूँ मस्त से आगे जाके काफ़ी, क्योंकि यार
पीछे अगर उतरता तो वो मेरे को देख लेता, तो मैंने सोचा पीछे से वार करूंगा, और यहीं पे आया ये बंदा, पता नहीं क्यों इतनी दूर ये दौड़ के आ गया। तो मोली फेंकता हूँ मैं और भाई साहब नीचे कूदते हैं। अब इसको लग रहा था यार कि मैं गड्डी लेके भाग जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। तो यहाँ से सबको क्लियर करने के बाद यार किल कुल ज़्यादा कुछ खास मिले नहीं थे, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यार, आगे जाके मतलब फुल किल करेगा आपका भाई। तो रास्ते से जा ही रहे थे हम कि एक बोट भाई साहब दिखे थे, तो चलती गाड़ी से नोक कर दिया यार उसे, पता नहीं कौन से मेले में घूम रहा था। और सामने से यार मेरे को बंदा दिखता है राइट साइड से, वो बग्गी की साइड जा रहा था, तो मैं इस भाई को यार ड्राइवर को कि यार इस साइड मोड़ ले, पर भाई साहब के कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंग दी, तो क्या ही कर सकते थे यार, ये रोक ही नहीं रहा था, और अगर मैं गड्डी से जंप करता तो यार नोक नोक हो जाता मैं। तो उसके बाद यार यहाँ पे भी गोलियाँ चलने की आवाज़ आई और फोटो भी छपी आई यार गोलियाँ चलने की, तो इस भाई साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं रोकी यार, पता नहीं कौन से नशे में ये गड्डी चला रहा था। और बंदे यार यहाँ पे काफ़ी सारे दिख रहे थे मेरे को, तो ज़रूरी तो नहीं है यार हर बार की चलती गाड़ी से नोक कर दूँ मैं बंदा, उसके बाद देखो यार मैं क्या लिखूँगा इसके लिए। मैंने से बोला कि जाएगा भी कहीं यार, पता नहीं कहाँ ही जाना चाह रहे थे भाई साहब, तो बाद में पता लगा यार ये तो ड्रॉप लूटने के चक्कर में है। और यहाँ पे भी यार ड्रॉप के पास भी मतलब राइट उससे आगे की साइड पे गोलियाँ चल रही थी, पर भाई साहब ने बिल्कुल भी ये नहीं करा कि फाइट ले लूँ मैं, और मैंने यार गुस्से से जंप ही कर दिया। अब यार मेरे पास मेडिकेट तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो दो सिर्फ और सिर्फ दो बैंडेज थी, तो यार उनसे ही काम चलाना पड़ेगा। अब फाइट मैं लेता तो यार मेरी पेटी बिल्कुल बन जाती, तो बोट भाई आपको मतलब नोक करता हूँ मैं, और फिनिश करने के बाद यार आगे जाके बंदे मतलब ज़्यादा ही खतरनाक काम होने वाले हैं आगे जाके। अब ये वही ड्राइवर भाई साहब है, ऐसे मैं एमओ दे देता, पर यार इसने इतना गुस्सा दिलाया ना मतलब कुछ हद से ही ज़्यादा, तो मैंने दी नहीं यार। अब हमारी बात तो बिल्कुल भी नहीं है मान रहा, और इसको एमओ चाहिए यार मतलब फैक्ट्री थोड़ी लग रही है। हाँ तो उसके बाद यार मैं ड्राइविंग करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यार बंदे दिखते हैं हमारे को गाड़ी रोक के हुए, तो मेरे को तो दिखे नहीं थे भाई साहब ने जैसे ही गोलियाँ चलानी शुरू करी, तो मेरे को भी दिख गए बंदे, और हेल्थ मेरी ज़्यादा ही कम थी, तो मैंने यार वहाँ गड्डी रोकी नहीं, तो मैं कवर में गड्डी रोकता हूँ और पहन लेंगे इनको यार ज़रूर। अब इस बंदे को यार मैं काफ़ी डैमेज देता हूँ, पर यार भाई साहब जो हैं साथ ही कवर में चले जाते हैं, तो आगे बढ़ता हूँ मैं और आगे से देंगे यार इसे स्प्रे ज़रूर। और इस भाई ने अपने पास स्मोक बना ली, तो छोड़ेंगे नहीं यार हम, बहुत डेठे बंदे हैं हम। तो उसके बाद यार उसकी भी गोलियां मेरे को पड़ी, पर जैसे तैसे करके यार मैंने उसे नोक कर दिया। और यार यहाँ पे जो मेडिकेट मिलने वाली है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कामयाब है मेरे लिए, बहुत टाइम पे जो है वो काम आ जाना जिस तरह बंदा कोई, तो वही काम यहाँ पे हो। अगर ये मेडिकेट ना मिलते तो शायद यार यहीं पे हमारी भी पेटी बन जाती, तो देखो यार रामबाण काम करा इसने मेरे वास्ते। उसके बाद यार एक बंदा इसका पेड़ के पीछे जो है वो टीपीपी ले रहा था, तो पेटी बन गई उसकी, और मैं सोच रहा था यार यहाँ बंदे पूरे ख़त्म हो गए, पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ऊपर से यार ठूस ठस की आवाज़ आई, तो देखेंगे यार इसे और पेटी इसकी भी बनाएंगे, पहले यार लूटपाट कर लें थोड़ी। और तो मैं भाई को बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा ध्यान से लूटिए, और उस साइड बंदा है तो बताना जरूरी होता है यार। तो उसके बाद यार लूटपाट करने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और गलत काम देखो यार क्या ही होने वाले। आप तो मैं यहाँ से यार गाड़ी घुमाता हूँ, क्योंकि यार जो ऊपर वाला बंदा था ना उसका मतलब कुछ ज़्यादा ही खाज टाइप हो रही थी, तो उसे यार अपनी पेटी बनवानी थी, तो मैं घुमाता हूँ गाड़ी। और यहाँ पे देखो यार कहाँ बंदा लेटा पड़ा, और इसकी बाँह पे नू गड्डी का टायर चढ़ाऊँगा मैं ज़रूर। तो इस भाई को तो नोक कर दिया मैंने, और पेटी इसकी साथ ही बनाऊँगा मैं यार। अब मेरे को लग रहा था यार यही वो बंदा है जो ऊपर की साइड से गोलियाँ चला रहा था, पर यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो वो बंदा जो है बिल्कुल वहीं पर ही है, और फिर से यार दिक्कत देगा वो।
कोई नहीं यार, जालिम लोशन लगाएंगे उसका, बिल्कुल दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद यार एक बंदा बैग से भागता हुआ दिखता है, तो स्प्रे दूंगा मैं से। तो यार इससे स्कारल से तो ये नोक हुआ नहीं था, तो यूएमपी से ही इसे मैंने नोक कर दिया। और एक बंदा ना यार यहाँ पे लेटा पड़ा है, जहाँ पे चार नंबर भाई साहब नोक हुए, तो यहाँ पे एक बंदा यार लेटा पड़ा है। और ये जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, और मेरी फटके यहाँ चार होएगी बिल्कुल। तो देखो यार जैसे मैं आगे भागता हूँ और गोलियाँ चलती हैं, और देखो यार डर डर देखो यार, गोलियाँ वो किसी और पे चला रहा, तो मैं लेट गया। तो मैंने सोचा यार जो होएगा देखी जाएगी, इसे आगे बढ़ के ही पेल लो। तो दिक्कत है मेरे को था नहीं, और यहाँ आके दिखेगा ये। और ये बंदा यार हमारे एक भाई को खा गया था, तो इसकी पेटी यार मैंने यहीं बना दी। और वीडियो को यार बिल्कुल लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके भाई ने ऐसा सांप पेल लिया जिसने दो बंदे मतलब हमारे नोक कर दिए थे, और एक को तो यार खाई गया है। उसके बाद यार लूटपाट करते हैं हम यहाँ से थोड़ी बहुत ही, और निकलते हैं, क्योंकि आगे जाके यार जो स्क्वाड वाइप करने वाला है आपका भाई, वो अलग ही लेवल की है। तो एक टाइम तो यार इम्पॉसिबल था कि यहाँ बच पाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और एक बंदा देखो यार कहाँ पे मतलब मज़े से घूम रहा है और आराम से चला रहा बिल्कुल। तो इस भाई को तो यार हमारे भाई साहब ने पेल दिया। तो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे आने के बाद यार गाड़ी दिखती है। तो जैसे ही हम स्प्रे देने की कोशिश करेंगे, वहाँ से बंदे निकल लिए थे ड्रॉप ड्रूप लूट का, और महंगी गन है यार उन पर बहुत ज़्यादा। तो महंगी गनों का सामना यार थोड़ी सस्ती गनों से करेंगे ज़रूर। और यार ये M24 से मतलब चलती गड्डी से बंदे उतारने की कोशिश कर रहे थे चार नंबर भाई साहब अपने, पर ऐसा हुआ नहीं यार। तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे यार पूरी स्क्वाड मतलब पूरी स्क्वाड की स्क्वाड है यहाँ पे, तो पेल लेंगे यार उसे। तो देखो यार गलत काम क्या ही होने वाले यहाँ। तो यार तीन बंदों को आपका भाई जो है यहाँ नॉक कर देता है, और पीछे की साइड यार एक बंदा फिर से रिवाइव हो गया, तो उनकी भी पेटी बनाएंगे। तो देखो यार देख के बिल्कुल मजा आने वाला है। तो यार वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं करे तो क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल लाइक कर दो, अच्छा लगेगा यार ये चीज़ मेरे को देख के। और बिल्कुल हेल्थ कम में भी यार आपके भाई ने पूरी की पूरी स्कोर जो है यहाँ पेल के धर दी। तो हमारे यार चार नंबर भाई साहब को पीछे से WM पटकी थी, और वहीं पे यार इसकी जो है पेटी बन चुकी है। तो क्या ही कर सकता था यार, मैं फाइट लेता या फिर इसे बचाता, अगर इसे बचाता तो यार मेरी भी पेटी यहीं पे बन जाती। उसके बाद यार यहाँ पे मैं लूट कर रहा था, और एक बंदा यार आगे की साइड आ चुका है पत्थर के पीछे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और मेरे पे भी यार महंगी गन है, तो इतना डर नहीं लग रहा अब जितना पहले लग रहा था। तो बंदा दिखता है मेरे को, अभी से गोलियां तो यार दो ही लगी सिर्फ, और भाई साहब जो है साथ ही कवर में चले गए। और बहुत चलाक ही बंदा है ये कुछ, तो नेड़ फेंकता हूँ मैं, पर नेड़ यार वहां तक पहुंचता नहीं। तो भाई साहब जो है देखते हैं थोड़ा सा, तो जैसे ही मैं स्प्रे देने लग रहा था यार, तो साथ ही कवर में चले गए भाई। क्या ही कर सकते थे यार, इसको कुछ ना कुछ और तरीके से इलाज करना पड़ेगा। तो मैं स्मोक फेंकता हूँ उसकी साइड, क्योंकि यार अगर मैं ऐसे ही ओपन से गया तो यार उसने बिल्कुल पेटी बना देनी यहाँ, और मैं नहीं चाह रहा था यार बढ़िया गेम प्ले की पेटी बने। तो भाई साहब ओपन से भागते हैं, तो स्प्रे तो यार मैंने दिया था, पर यार पड़ी नहीं उसे गोलियाँ बिल्कुल भी। उसके बाद यार मैं अपनी गड्डी उठाता हूँ, और स्किन स्कून यार अपने पर तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्लोबल वर्जन में तो थी भी ये वाली स्किन मछली वाली। तो अब मेरे को लग रहा था यार इस बंदे को पता नहीं लगा कि मैं ऊपर की साइड आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस भाई को बिल्कुल पता लग चुका है। और भाई साहब पेड़ के पीछे थे बिल्कुल ही, तो मैं नेड़ फेंक मोली फेंकता हूँ, और भाई साहब ने परे से नेड़ फेंक दिया उसे, यार पता चल गया था मेरा, तो पीछे भागने में ही फायदा था यार। उसके बाद यार मैं सोच रहा था कि कैसे मारूं इसे, और अगर ओपन से गया मैं तो यार AWM का शॉट भी पड़ सकता है। तो इतने में ही भाई साहब जो है मेरे पे रश कर देते हैं, और इसकी यार यहीं पे पेटी बना देता हूँ मैं।
उसके बाद यार सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था, तो उसे भी पेल लेंगे यार, तभी चिकन चुकन हो पाएगा अपना। तो यहाँ से पहले एक गेड़ा मार गया था मैं, और भाई साहब जो है पहले वाले जहाज के आगे देखो बैठे पड़े हैं, तो पहले मजे लेंगे इससे और उसके बाद यार चिकन चुकन करेंगे बिल्कुल। तो मोली तो फेंकी मैंने यार, पर मोली ने काम बिल्कुल भी नहीं करा। तो अपनी मोली यार बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, तो जहाज के ऊपर चढ़ता हूँ मैं और फीलिंग यार बढ़िया वाली आ रही थी यहाँ, तो 300 आई क्यों करने की कोशिश थी यहाँ पे मेरी। तो बंदे के यार पैर पैर दिखे थे और पैर भी यार उसने कवर में कर लिया अपने। तो मैं सोच रहा था यार इस जहाज से ऊपर अगले वाले जहाज पर छलांग लगाऊंगा और फिर देखूंगा उसे, पर यार कहाँ ऐसा होने वाला अपने साथ, अपने साथ यार गलत काम ही हो सका हमेशा। तो उसके बाद यार मैं इस बंदे को क्लियर कर देता हूँ। तो चिकन चुकन यार खाने में बढ़िया लगे हो तो यार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जाते जाते बिल्कुल लाइक कर दिया यार, अच्छा लगेगा ये चीज़। कल मिलते हैं भाइयों, बाय बाय।